सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी YouTube वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? एक होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं शुक्र देव के मुख्य रत्न हीरे के बारे में। दोस्तों, हीरा कब धारण करना चाहिए, किससे धारण करना चाहिए, कौन से धातु में इसे धारण करना चाहिए, कौन सी उंगली में इसे धारण करना चाहिए, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों देखते रहेगा इस वीडियो को और बने रहेगा दोस्तों मेरे साथ। दोस्तों तो शुक्रदेव का जो रत्न होता है हीरा, वो इस प्रकार से आता है दोस्तों। और इनका एक उपरत्न भी है जिसे हम ओपल कहते हैं। ये दोनों ही रत्न शुक्र के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। साथ ही शुक्रदेव का एक और उपरत्न आता है जिसे हम एडी कहते हैं, जरकन कहते हैं दोस्तों। वो भी इसी प्रकार से हीरे का सब्स्टिट्यूट होता है दोस्तों। तो हम इन तीनों रत्नों का उपयोग हीरे के रूप में कर सकते हैं, शुक्रदेव के रत्नों के रूप में कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों बात करते हैं कि शुक्रदेव के इन रत्नों को आपको कौन से धातु में धारण करना चाहिए दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले हीरे का मैं आपको बता दूं, हीरा जो है दोस्तों, इससे आपको हमेशा प्लेटिनियम, सोना और चांदी, इन तीनों धातु में आप इसे धारण कर सकते हैं। ये आपको बेनिफिट देगा दोस्तों। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों कि ओपल को आपको कौन से धातु में धारण करना चाहिए दोस्तों। तो ओपल को दोस्तों आप चांदी में ही धारण करें दोस्तों, इसी में ही आपको ज्यादा बेनिफिट देगा दोस्तों। क्योंकि ओपल चांदी में अच्छा और बढ़िया प्रभाव देता है, और बढ़िया मैंने देखा भी है दोस्तों कि चांदी में ओपल अच्छा प्रभाव देता है सोने की बजाय दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों कि इन दोनों रत्नों को कौन सी उंगली में आपको धारण करना चाहिए दोस्तों। उंगली पर बात आती है दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ इसे आपको बहुत ही ध्यान से और गंभीरता पूर्वक समझना होगा दोस्तों। दोस्तों सबसे पहला जो मेरा नजरिया है वो इस प्रकार है कि दोस्तों देवगुरु बृहस्पति की जो मीन राशि होती है उसमें शुक्रदेव उच्च के होते हैं दोस्तों। सेकंड दोस्तों, शुक्र पर्वत हमारी तर्जनी उंगली के नीचे यहाँ पर होता है दोस्तों। अब शुक्र की जो उंगली है दोस्तों वो तो ये है हमारा अंगूठा, लेकिन हम अंगूठे में कोई रत्न धारण नहीं कर सकते दोस्तों। हर दोस्तों ये भी देवताओं के गुरु तो नहीं, लेकिन दानवों के गुरु तो है दोस्तों। इसलिए दोस्तों मेरा जहां तक नजरिया है और मैंने एक्सपीरियंस भी लिया है दोस्तों, स्वयं के ऊपर एक्सपीरियंस लिया है कि आपको इनका जो रत्न है उसको हमेशा इसी उंगली में धारण करना चाहिए, तर्जनी उंगली में, क्योंकि ये दानवों के गुरु बल ही है लेकिन है तो गुरु ही है दोस्तों। सेकंड, ये गुरुदेव बृहस्पति की मीन राशि में उच्च के होते हैं। थर्ड दोस्तों, शुक्र पर्वत तर्जनी उंगली के जस्ट नीचे आता है दोस्तों। ये तीन कारण है, इसकी वजह से आपको यहाँ हीरा हमेशा तर्जनी उंगली, इस उंगली में आपको धारण करना चाहिए दोस्तों। अगर आप इस उंगली में नहीं धारण करना चाहते हैं तो आप इस उंगली में भी धारण कर सकते हैं, मध्यमा उंगली में दोस्तों। और दोस्तों कोई कोई लोग इसको सूर्य की उंगली और चंद्रमा और बुध की उंगली में भी धारण करते हैं। मेरा नजरिया ये है कि दोस्तों इसमें आपको नहीं धारण करना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर यह नुकसानदायक होता है दोस्तों। अब बात करते हैं कि हीरा जो होता है उसे कौन धारण कर सकता है, किस राशि वाले को पहनना चाहिए दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले एक बात बता दूं, अगर शुक्रदेव आपकी जन्म कुंडली के योग कारक ग्रह है दोस्तों, दूसरा दोस्तों कि तीसरे, छठे, आठवें, बारहवें और नीच के यानी कि छह नंबर कन्या राशि में नीच के होते हैं शुक्रदेव, उसमें नहीं है दोस्तों, तो आप हीरा धारण कर सकते हैं दोस्तों। एक और बात दोस्तों कि हीरा धारण करते वक्त आपको कौन सी मतलब पूजा पाठ करने से आपको अच्छा बेनिफिट प्राप्त होगा दोस्तों, तो हीरा धारण करते हुए दोस्तों आपको ये करना ये है कि आप गुरुवार के दिन हीरे को जौहरी से ले आए दोस्तों, उसके अंगूठी जो आप बनवा रहे हैं वो ले आए, उसको पंचामृत में रात को घोल कर रख दे दोस्तों। सुबह आप उठिएगा सूर्योदय के समय, छत पर चले जाइएगा दोस्तों, वहां पर आप इसे गंगा जल से अच्छे से साफ करके पहुंच लीजिएगा दोस्तों। एक अगरबत्ती शुक्रदेव के नाम लगा दीजिएगा और उनका जो मंत्र है बीज मंत्र ओम शिव शुक्राय नमः, उसका 108 बार जप करिएगा दोस्तों। उसके बाद उस हीरे को अंगूठी जो है दोस्तों, उस हीरे की जो अंगूठी है आपकी या ओपल की जो अंगूठी है दोस्तों, उसको लीजिएगा। और अगर आपके आसपास कहीं महालक्ष्मी जी का मंदिर है दोस्तों या विष्णु लक्ष्मी जी का मंदिर है तो वहां पर चले जाइएगा दोस्तों, और नहीं भी है तो कोई बात नहीं है दोस्तों, अगर है तो आप वहां पर जाइए, वहां पर हीरे को, उस अंगूठी को दोस्तों महालक्ष्मी जी के चरणों में रख दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों शुक्रदेव को महालक्ष्मी जी का एडोप्टेड पुत्र माना गया है दोस्तों, तो वहां पर आपको उसको रख देना है, जिससे और महालक्ष्मी जी से प्रार्थना करनी है, हे महालक्ष्मी मैं शुक्रदेव का मुख्य रत्न हीरा धारण कर रहा हूँ या ओपल धारण कर रहा हूँ, आप इसमें अच्छी और बढ़िया पावर प्रदान करें जिससे कि मेरे जीवन में
होने वाली परेशानियां दूर हो, मेरे काम बनते जो बिगड़ रहे हैं वो बनते बने दोस्तों। सारी बातें जो भी आप प्रार्थना करना चाहते दिल से प्रार्थना करिएगा, और उसे इस समय आप जब हो रहा हो शुक्रदेव की सुबह सूर्योदय के समय दोस्तों, जिस ग्रह का वार होता है उस ग्रह की ही दोस्तों होरा चल रही होती है, तो उस टाइम इसे आप धारण कर ले, बहुत ही अच्छा मुहूर्त होता है दोस्तों। और किस उंगली में धारण करना है तो मैंने बता दिया, मध्यमा या इंडेक्स फिंगर या आप इसमें धारण कर सकते हैं दोस्तों, आपको बेनिफिट ही प्राप्त होगा दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं कि हीरा जो है दोस्तों, वह अगर आपको नहीं पलेगा या आपको नहीं सूट होगा तो आपको क्या नुकसान होगा दोस्तों। हीरा अगर आपको नहीं पलेगा दोस्तों तो आपको नुकसान में यह हो सकता है कि हीरा अचानक से आपकी खर्चों में बढ़ोतरी कर लेगा, घूमने फिरने के खर्चों में बढ़ोतरी कर लेगा, अननेसेसरी जिसका कोई मीनिंग नहीं है, फोकट के इधर उधर घूमने जा रहे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं दोस्तों, उधार लेकर आप खर्चे कर रहे हैं, तो ऐसी चीजों में अगर आपका हीरा आपको बेनिफिट दे रहा है तो आप उसे खोल कर उतार दीजिएगा दोस्तों। दूसरा चीज दोस्तों, अगर आपको हीरा गलत बेनिफिट दे रहा है तो उसका आप ये भी रियलाइज कर सकते हैं कि आपको अपोजिट सेक्स की ओर आपका अट्रैक्शन ज्यादा होगा दोस्तों। अचानक से आपके फ्रेंड सर्कल, या अगर आप बॉय है तो गर्ल्स का फ्रेंड सर्कल, अगर आप गर्ल है तो बॉयज का फ्रेंड सर्कल बढ़ जाएगा, यानी कि आपके ऐश्वर्य की जिंदगी होगी, लेकिन आप पैसा उधार लेकर कार्य कर रहे होंगे, आपके पैसे ऊपर चढ़ रहे होंगे और आप उसको मजा ले रहे होंगे दोस्तों, तो ये चीज भी गलत है, आपको इस चीज में भी ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। अगर हीरा ऐसा कर रहा है तो आप उसे उतार देवे। तीसरा दोस्तों, हीरा आपके बोन संबंधी यानी हड्डियां जो होती है दोस्तों उसके संबंधित प्रॉब्लम दे सकता है दोस्तों, तो वहां पर भी आप अगर ऐसा होता है हीरा पहनने के बाद हड्डी का टूटना वगैरह, हड्डियों में दर्द वगैरह, तो इसको आप उतार कर रख दें और आप इनके बीच मंत्र का जाप करें जिससे आपको और ज्यादा बेनिफिट प्राप्त हो सके दोस्तों। दोस्तों बात करते हैं हीरा आपको सूट होता है तो आपके लिए क्या होता है दोस्तों, तो हीरा अगर आपको सूट होगा तो आपकी ऐश्वर्य वाली जिंदगी होगी दोस्तों, आपके इनकम सोर्स जनरेट हो जाएंगे दोस्तों। थर्ड दोस्तों, आपकी लाइफ में आपको जो अपोजिट सेक्स के अट्रैक्शन है वो भी बढ़ जाएगा, लोग आपके और अट्रैक्शन होने लग जाएंगे, आपको अच्छा बेनिफिट मिलने लग जाएगा दोस्तों, लोग आपकी बातों को मानना शुरू कर देंगे दोस्तों, और आपकी जो लाइफ है दोस्तों ऐश्वर्य वाली हो जाएगी, पैसा आपके पास रहने लग जाएगा दोस्तों, क्योंकि हीरा जो है दोस्तों, शुक्रदेव जो है दोस्तों लग्जरियस लाइफ के सामने होते हैं दोस्तों, वाहन भूमि मकान सुख सुविधा जितनी भी आज की दुनिया में सुख सुविधा है, ऐश्वर्य की जिंदगी है दोस्तों, एक नॉर्मल जीवन यापन के बाद जो ऐश्वर्य की जिंदगी होती है दोस्तों, वो सारी चीजें शुक्रदेव के अंतर्गत ही आती है दोस्तों, और शुक्रदेव नहीं हो तो ये सारी चीजें आपको कोई भी रत्न कोई भी ग्रह नहीं दे सकता दोस्तों, तो शुक्रदेव आपको अच्छा बेनिफिट देंगे, तो इन सभी चीजों में आपको बेनिफिट देंगे दोस्तों। दोस्तों आज के युग में जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो शुक्रदेव के ऊपर ही तो हो रहे हैं, किसी को गाड़ी सही नहीं मिली है, किसी को पैसा कम मिला है जायदाद में, किसी के वाहन की कमी है दोस्तों, इन सभी चीजों पर होता है दोस्तों कि उनको परेशानी होती है कि मेरे इतना कम आ गया, भाई भाई लड़ा रहे हैं दोस्तों शुक्र के लिए दोस्तों, तो ऐश्वर्य की जिंदगी कोई नहीं चाहता दोस्तों, सब चाहते हैं, तो अगर आपके हीरा बन रहा है पहनना तो आप इसे धारण करिए, आपको बहुत ही अच्छा लाभ प्रदान करेगा, आपकी जिंदगी बदल के रख देगा हीरा दोस्तों, लेकिन शर्त यही है दोस्तों कि आप सही उंगली में धारण करिए, सही मुहूर्त में इसे धारण करिए, सही धातु में आप इसे धारण करिए दोस्तों, आपको बेनिफिट होगा। और एक बात बताना भूल गया दोस्तों कि शुक्रवार कोई सा भी हो सकता है, चाहे चढ़ते पक्ष का हो या घटते पक्ष का हो, आप दोनों में इसे धारण कर सकते हैं, आपको बेनिफिट ही प्राप्त होगा दोस्तों, हीरा आपके लिए सुख समृद्धि तरक्की ही लेकर आने वाला है दोस्तों। और दोस्तों अगर हीरा आप धारण कर रहे हैं और हीरा आपको अच्छा प्रभाव दे रहा है और आपको और उसको इंक्रीज करना है उसके अच्छे प्रभाव को, तो दोस्तों आप आपकी पत्नी को सरप्राइज दीजिएगा दोस्तों, उसको अच्छे अच्छे गिफ्ट दीजिएगा। सेकंड आप ये भी कर सकते हैं, परफ्यूम्स का ज्यादा यूज करिएगा, सौंदर्य प्रसाधन की जो सामग्रियां होती है उनका आप ज्यादा अपने खुद के लिए यूज करिएगा, इससे आपका हीरा जो है आपका ऑरा बढ़ेगा दोस्तों। ऑरा क्या होता है दोस्तों, या किसी भी चीज को अट्रैक्शन करने की जो पावर होती है दोस्तों वह आपकी बढ़ेगी, और आपका हीरा जो है दोस्तों, आपका जो डायमंड आपने जो ओपल धारण कर रखा है, आपको बहुत ही अच्छा और शानदार तरक्की प्रदान करेगा दोस्तों। आपकी चीजें जो होती है दोस्तों वो लोगों को पसंद आने लग जाएगी, लोग आपकी तारीफ करते नहीं भूलेंगे दोस्तों, ये सारी चीजें आपको हीरा प्रदान करेगा दोस्तों। और दोस्तों हीरा धारण करने के बाद एक चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, शुक्रवार को कभी भी आप दोस्तों नॉनवेज वगैरह ड्रिंक वगैरह ये सारी चीजें न करें। मैं जानता हूँ कि हीरा पहनने के बाद दोस्तों इन सभी बातों के ऊपर व्यक्ति का अट्रैक्शन बढ़ता है दोस्तों, क्योंकि हीरा जो है दोस्तों, शुक्रदेव जो है दोस्तों, वह ऐश्वर्य की जिंदगी के मालिक है दोस्तों, जितनी भी ऐश्वर्य की चीजें हैं सभी का मालिक शुक्रदेव ही है दोस्तों,
तो उन चीजों में भी वह वृद्धि करेंगे ही दोस्तों, लेकिन लेकिन आप खुद को थोड़ा अगर लिमिट में कर देंगे दोस्तों, तो दूसरे ग्रह जो है दोस्तों इन चीजों से गलत होते हैं, उनका प्रभाव गलत पड़ने लग जाते, तो वो भी आपको अच्छा पड़ने लग जाएगा और आपको चारों ओर से फायदा प्राप्त होगा दोस्तों। दोस्तों हो सके तो आप ड्रिंक वगैरह इन सभी चीजों का उपयोग कम करें, क्योंकि डायमंड आपको इन सभी चीजों की ओर आकर्षित करेगा दोस्तों, क्योंकि ये चीज जानता हूं मैं, क्योंकि ये जो है अट्रैक्शन की पावर बहुत ज्यादा दे देते हैं, ऐश्वर्य की जिंदगी इंसान को दे देते हैं दोस्तों। हर तरह से इंसान मतलब कि खुशनुमा रहने लग जाता है और साथ ही वह ड्रिंक वगैरह नॉनवेज वगैरह या थोड़ा गलत रास्ते पर भी जा सकता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर जेब में पैसा हो दोस्तों तो व्यक्ति अलग अलग जगहों पर खर्चा करना पसंद करता है, गंदी चीजें जो बुरी आदतें हैं वो सबसे पहले उसके ऊपर घर करने लग जाती है। अगर गलत तरीके से आया हुआ हो तो डेफिनेटली ये बात है दोस्तों कि आपको ये शुक्रदेव जो है दोस्तों आपको गलत राह पर लेकर ही जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आप थोड़ा अगर खुद के ऊपर आप लिमिट रख कर रखेंगे दोस्तों, आप खुद के ऊपर थोड़ा लगाम लगा देंगे तो आपको दूसरे ग्रह जो है आपको बेनिफिट देने लग जाएंगे दोस्तों, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वगैरह ये जो ग्रह है, सूर्यदेव मंगलदेव ये सारे जो ग्रह है दोस्तों, ये ड्रिंक नॉनवेज वगैरह इन सभी से खराब होते हैं। और आपको अगर आप ये हीरा पहनने के बाद इन चीजों में आप ज्यादा बढ़ोतरी करने लग जाएंगे दोस्तों, तो आपको ये जो दूसरे ग्रह है दोस्तों वो आपको नुकसान देने लग जाएंगे और आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो हो सकता है आपको और भी ज्यादा नुकसान हो जाए दोस्तों। और अगर दोस्तों आपने मेरे हीरे की जो पहचान की जो वीडियो है अगर आप नहीं देखी है तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं दोस्तों। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके दोस्तों। बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।